ये पहले हमने उबाल रखी है वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, जहाँ भी रहो खुश रहो। तो हाल जो है आपस दिन हमारे साथ ही अभी खाना हमारा तैयार हो चुका है, तो हम खाना ने भी लगे हैं। तो आप अभी बाहर है, अभी आ रहा है, उसके बाद हम खाना खाएंगे। तो आज का मौसम जो है बहुत प्यारा हो चुका है। पहले मैं आपको बताया था कि रावलपिंडी में काफ़ी गर्मी थी बहुत ज़्यादा, लेकिन रात को बारिश हुई है बहुत ज़्यादा और बेहतरीन मौसम इस टाइम बहुत अच्छा हो चुका है। इस गर्मी जो है बहुत कम हो चुका था, तो रावलपिंडी में गर्मी बहुत थी, लेकिन रात को बारिश होने के बाद इस वक्त मौसम बहुत बैड। तो जो है मौसम रावलपिंडी का बहुत अच्छा है, प्यारा है इस वक्त। हम इधर की प्रकार दुकान में रावलपिंडी के टाइम से आ गए, तो यहाँ का मौसम तो बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा मौसम हो गया है। तो साथ ही हमारा खाना तैयार हो चुका है, तो यह कि हम खाना खाएंगे। आज जो है हमने ग्रेडे पकाए हैं और रात की गोभी भी थी, और आतब जो गोभी खुश होकर खाता है तो मैं केले खाता हूँ। तो हमारा जो है खाना जो है तैयार हो चुका है। तो आप भी हैं हमारे साथ, खाना खाएं, हमारा खाएं, हमें अच्छा लगेगा। तो गाइस जो है कि हाँ, हमने ये करेले पकाए हैं और उसके बाद गोभी वगैरह भी है। तो आतब जो गोभी खाता है तो मैं करेलाऊँगा, और यह कि आप भी हमारे साथ खाएं। हमारा ये कुकिंग जो है आज मैं तो बता नहीं सका, लेकिन यह कि करेले की कुकिंग की है। तो मैं ज़्यादातर करता हूँ कि मैं कुकिंग करूँ और थोड़ा सा घर का काम भी करूँ, तो उसमें आपको थोड़ी सी चीज़ें कोई बताता हूँ। लेकिन आज भी ऐसे है कि मैंने ये रेसिपी बनाई है करेले की, और ये भी वगैरह भी है। तो हम आपको जो चीज़ बनाते हैं शेयर करते रहते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। हम यही होती है उम्मीद कि आप ही अच्छे कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो आप देखने वाले हैं। आपको अल्लाह ताला हम के लिए करते हैं, अल्लाह ताला हमको सब कुछ से आपको सेहत अता फरमाए, और भी अल्लाह ताला इंसान को रहमत फरमाए। तो ये है कि हमारा खाना का तैयार हो चुका है। आप आए हमारे साथ खाना है, हमें बहुत अच्छा लगेगा। अब हम आप अपने लोगों को खाना शुरू कर दिया है और मैं भी अभी करने वाला हूँ। तो आप आए, बाकी इंशाल्लाह बाद में जो है लोग बनाएंगे, इंशाल्लाह आपको वो भी शेयर देंगे जो बनाएंगे। तो आप हम खाना शुरू कर रहे हैं, आप ये हमारे साथ खाएँ, हमें अच्छा लगेगा। अपने आटे से यह आटा गूंदा था, उसके बाद बटी थी जो पंजाबी था बनाई है। उसके बाद आज जो है ये पहले तवे ऊपर भूनी, भून के उसके बाद रखती थी। तो आज जो है वो ज़्यादा होगा, उसमें ऐड की जब ये थोड़ी सी गल गई, उसके बाद उसका पानी जो है ना थोड़ेंगे। तो उसके बाद अब
उसमें घी डाल के जोड़ के बाद घी डालेंगे डाल के उसके बाद फिर उसमें जैका चीनी ये कर शक्कर तो ज़्यादा मज़ा करती है करो तो घर शक्कर नहीं हो तो डाल दो ये तो मज़े की रस बनेगी। ये घर वाले जोड़े बनते हैं घर में अपने ये वजह से बहुत कम मिली है ये घर में ही बनती है तो बहुत अच्छे होते हैं। अगर ट्राई करें तो बनाएं तो आपको पता चलेगा ये क्या रस्मी है ये बेहतरीन है। मैं तो बहुत खुश होकर खाता हूँ घर वालों से रिमाइश करता हूँ कि इस तरह बनाएँ और बहुत अच्छी चीज़ होती है। आप ये ट्राई करें बनाएँ और खाएँ। अभी बार जब ये तैयार रहेंगे तो फिर आपको बताइए कि कैसे बनी। इंशाल्लाह ये बहुत अच्छी रस्मी है तो आप ये अगर कोशिश करें तो घर में बनाते हैं थोड़ी सी मदद होती है इंसान कोई भी कर सकता है। तो ये अभी जब गल जाएंगे उसके बाद निचोड़ेंगे उसके बाद निचोड़ने के बाद उसके बाद फिर जो है अब तो निचोड़ने कहते हैं सिर्फ उर्दू का लफ्ज़ तो नहीं है क्या कहते हैं उर्दू में हमारे पंजाबी में तो कहते हैं इसको कहें घर के सेवियाँ ये सेवियाँ बढ़ते हैं जोड़े कहते हैं इसे। तो उसके बाद बनाते हैं तैयार होते हैं तो तैयार होती हैं अगर इसमें घी देसी घी हो या शक्कर उसमें इतनी टेस्टी हो जाती हैं कि इंसान कहता है ये बाहर खाएं बहुत अच्छी चीज़ है। तो अगर आप कोशिश करें बनाएं और मैं और भी अच्छी अच्छी रेसिपी बनाऊंगा पर लेकिन आपको हमारे चैनल लाइक किया सब्सक्राइब जरूर किया ताकि हमारे भी हौसला जो हम भी करते हैं गर्मी में मत करते हैं। तो अगर आप सब्सक्राइब करें कमेंट करें तो हमें पता चलेगा कि आपको ये चीज़ कैसी अच्छी लगी तो हम और अच्छी चीज़ें बताएँगे आपको मेहनत करेंगे तो ये बात बताएँगे जब तैयार हो जाए तो अभी। बनवाई झोले बनाए वो भी तैयार हो चुके हैं और आसम दोनों आ रहे हैं आप भी आए खाएं और बहुत टेस्टी बने माशाल्लाह क्या बात है। ये घर की रेसिपी है तो उसे मेहनत करनी पड़ती है अगर आप मेहनत करें थोड़ी ये बटें और उसके बाद जब ये सूखनी पड़ती है सूख जाने के बाद ये भूननी पड़ती है तवे के ऊपर थोड़ी सी भुने मैदे की बनी है आगे भी बन जाते हैं मैदे की बन तो जब ये जाएँ तो उसके बाद ये अगर पानी हम करें जब उबाल आए तो मैं ये डाल दें उसके बाद जब देखें कि ये गल गई है उसके बाद पानी निचोड़ना पड़ा या निचोड़ना पड़ा जो भी आपके घर पंजाबी जाते हैं निचोड़ना उसके बाद जो है जिस वक्त निचोड़ो तो उसके बाद घी उठवा देसी देसी घी या शक्कर इसमें यर्ची डालें और फिर ज़रूरत तो फिर आप ये चेक करें कि कितना मज़ा आया ये कितनी मज़े की टेस्टी चीज़ ठंडी कार के खाना ठंडी कार नहीं तो ज़्यादा मज़ा करती है। अगर आप टेस्टी देखें इंशाल्लाह आप धीरे धीरे आप भी घर बनाएंगे तो ये भी आपने बताइए अगर आप बना एक बार दें तो पता चले कि कितनी टेस्टी है इतनी मज़ेदार है आप बार बार ये बनाएँ तो ये है कि मुझे बहुत अच्छी लगी है तो मैं बनाता हूँ तो आप भी बना कर तजर्बा कर इंशाल्लाह ये अच्छा होगा और हमारे चैनल को लाइक किए सब्सक्राइब जरूर कीजिए हम इतनी मेहनत करें आपको बताते हैं इंशाल्लाह फिर भी आपको अच्छी अच्छी रहने और भी बताएंगे हमारा ये काम है मेहनत करते हैं और हम भाइयों के लिए तो ये जरूर आए हमारे साथ खाएं ये देखें कितने मज़ेदार और खुशी बनी है इंशाल्लाह इससे अच्छी और आपको देंगे मेहनत करेंगे